गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर मिस संगीता कुमारी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टॉपिक टू ऑफ चैप्टर फोर, बर्ड्स। ओके स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लासेस आई वाज क्लियर सम टॉपिक एज लाइक पार्ट्स ऑफ बर्ड, हाउ बर्ड्स फ्लाई, फीदर्स एंड फ्लाइंग डिफरेंटली। सो टुडेज टॉपिक इज बी। ओके, सो डिफरेंट बर्ड्स इज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। एज वी नो स्टूडेंट, सारे बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं। द सेम एंड साइज ऑफ द बर्ड्स बी डिपेंड अपॉन व्हाट दे ईट। जो सेम होता है बर्ड्स का और साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके खाने पे भी वो क्या खाते हैं। ऑल बिग्स आर हार्ड, सारा बिग्स क्या होता है, हार्ड होता है। बर्ड्स हैव नो टीथ, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं। बिग्स हैव टू ब्रीथ और टियर द फूड इन टू स्मॉल पीसेस। जो बिग्स होती है बर्ड्स की, जो चोच होती है कि वो क्या करती है, हेल्प करती है फूड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में। मोस्ट ऑफ द च्यूइंग इज डन इनसाइड देयर बॉडी आफ्टर देयर फूड हैज बीन चोयो। बहुत सारे बर्ड्स को क्या होता है, जो खाना होता है ना उनका च्यूइंग करते हैं वो लोग, जब वो सीड्स को या खाने को स्लो निकल लेते हैं उसके बाद। ठीक है, सो वी रीड स्टूडेंट नाउ वन बाय वन व्हाट काइंड ऑफ बिग्स इन हैव बर्ड। ओके, द फर्स्ट इज वल्चर। व्हाट वल्चर? नाउ दे आर मीट ईटर। ये क्या है, मीट ईटर है। ओके, देयर बिग शार्प एंड हुक इट हेल्प देम टू टियर एन एनिमल्स फ्लेश। तो इसका जो बिग होता है ना वो तो शार्प, वो नुकीला और हुक टाइप का होता है, जो हेल्प करता है किसी भी एनिमल्स को उसके बोन से अलग करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वुड पिकर। तो वुड पिकर है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प इन बिग। जो वुड पिकर के पास स्ट्रॉन्ग और शार्प बिग होता है, इट कैन मेक होल इन द हार्ट रेट रन। दिस इज हाउ इट मेक इट्स नेस्ट। इट ऑल्सो कैचेज इंसेक्ट हाइडिंग द ट्रंक इन द बिग। जो ये होता है ना, इसका बिग का काम क्या रहता है, ट्री ट्रंक, तो पेड़ की डाली होता है मोटी मोटी, उसमें वो होल करता है और उसमें जो भी अंदर डिवाइन सेट रहता है उसको खाता है। ओके, साथ में वो कभी कभी ट्री ट्रंक में ही अपना नेशनल रहना स्टार्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज द हुकर, हैज लॉन्ग थिन नेक, इट यूज्ड टू पिक इंसेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। जो आपका हुकर होता है वो क्या करते हैं, के पास लॉन्ग और थिन बीक होता है, और ये अपना जो थी मतलब पतला सा बीक होता है इसका यूज कहाँ पर करता है, ताकि वो ग्राउंड के अंदर जो भी इंसेक्ट है, ओके, कहाँ पर है, ग्राउंड के अंदर जो इंसेक्ट उसको पानी से पिक कर सके और खा सके। नेक्स्ट इज स्पैरो एंड हेन। तो आपकी जो स्पैरो और हेन है वो क्या है, सीड ईटर है। ओके, दे हैव शॉर्ट बीक टू ब्रिंग एंड प्रेस इन। उनके पास क्या होता है, जो बिग्स होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ताकि वो अपने फूड्स को या सीड्स को क्या कर सके, जिससे ब्रेक कर सके और क्रश कर सके। नाउ नेक्स्ट इज अ पैरट। अ पैरट हैज स्टब बिग, हेल्प इट टू ईट हार्ड सीड नट्स एंड फ्रूट। जो पैरट होता है उनके पास क्या होता है, ट्रंक मतलब घुमा हुआ बिग्स होता है। ओके, और जो उसको हेल्प करता है हार्ड सीड मतलब जो भी हार्ड सीड और नट फ्रूट होता है उसको अच्छे से तोड़ के खा सकते हैं। नेक्स्ट इज किंगफिशर हेरोन आर थ्री सीटर बर्ड्स। जब वो किंगफिशर हेरोन होता है वो क्या होता है, थ्री सीटर मतलब फिश खाने वाले बर्ड्स है। दे हैव शार्प पॉइंटेड बीक्स। जिनके पास जो बीक्स होते हैं ना वो क्या होता है, शार्प होता है, बहुत बहुत तेज होता है और पॉइंटेड नुकीले होते हैं। ओके, ताकि दे डार्ट इन टू वाटर एंड कैच कर, ताकि वो अपने बीक्स को वाटर पे मारे और जो भी फिश हो उसको कैच कर ले विद देयर बीक्स एंड स्लो इट फॉल, और उसके बाद फिर उसको स्लो कर लेते हैं, निकल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ डग। तो आप डग बीक इज स्पेशल, डग का बीक होता है ना उसका एक स्पेशल क्वालिटी है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक इट टेक मडी वाटर एंड फ्लेयर्स बीक, इंसेक्ट एंड प्लांट रिमाइन इनसाइड द वाटर फ्लो आउटसाइड द होल ऑफ इट फ्लोअर बीक। तो आपका जो बर्ड्स होता है डग है वो क्या करता है, अपने बीक से मडी वाटर लेता है। ओके, उस मडी वाटर के लेने के बाद उसमें जो भी इंसेक्ट और प्लांट्स के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, उसका जो लोअर बीक में होल रहता है उस होल के थ्रू क्या होता है, फिर से वो पानी नीचे वाटर गिर जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीट एंड जॉज। दैट मीन जो बर्ड्स होते हैं उनके फीट कैसे होते हैं,
एंड हाउ इट्स ईट. जो बर्ड्स होते हैं ना उनके टू फीट्स होते हैं, दो पैर होते हैं और फोर टॉयज होते हैं. ओके, हर एक में चार चार पैर होते हैं और उनका सेम और साइज होता है फीट का. उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं. तो फोर्थ टॉपिक इज पर्चिंग बर्ड. ओके, पर्चिंग बर्ड जो पर्च करते कहाँ पे ट्रीज और ब्रांचेस. ओके, बर्ड्स लाइक क्रोज एंड स्पैरो पर्च ऑन द ब्रांचेस. जो बर्ड्स होता है क्रो एंड स्पैरो कहाँ पर्च करते हैं, ब्रांचेस में पकड़ते हैं. ओके, दे हैव थ्री टॉयज इन फ्रंट एंड वन ऑफ दी बैक. They have three toes in the front and one on the back. The back toe is curled around the branch so the bird will not fall off. It can stay on the branches when the wind blows hard and even when it sleeps. So birds, जो इस perching birds होते हैं ना, उनके पास क्या होता है? Three toes front में होता है, आगे का होता है, और one toes क्या होता है? उसके back में होता है. और वो थोड़ा curled मतलब घुमा हुआ होता है ताकि वो branches के अंदर अच्छे से पकड़ के रख सके और गिरे ना. चाहे वो कितनी जोर की भी वाइंड मतलब तो बहुत जोर की हवा आने की चले या फिर जब वो सो भी रहे होते हो तो जो उनके जो ये टॉयज है ना वो तो क्या करते हैं सेफली बचा कर रखते ताकि वो ट्रीज में स्टे कर सकें. नाउ आवर नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड. ओके, सम बर्ड्स लाइक द वुड पिकर कैन क्लाइंब ट्री. कुछ बर्ड्स है जैसे कि वुड पिकर, वो क्या करते हैं क्लाइंब करते हैं ट्रीज में. ओके, दे हैव टू टॉयज इन द फ्रंट एंड टू एट द बैक. उनके पास क्या होता है फ्रंट में दो into the tree branch. और इसी जो उनके जो बैक और फ्रंट वाले पर टॉयज होते हैं ना उसी कारण वो क्या करते हैं ट्री पर अच्छे से क्लाइंब कर सकते हैं. नाउ और नेक्स्ट इज द स्ट्रेचिंग बर्ड. ओके, द स्ट्रेचिंग बर्ड लाइक हेन स्प्रेड ग्राउंड टू फाइंड सीड एंड इंसेक्ट. जैसे कि आपको कौन सा बर्ड हो गया हैं, ये क्या करता है स्ट्रेच करते हैं ग्राउंड जमीन पे स्ट्रेच करते हैं. ओके, घिसते हैं उसके अंदर जो भी इंसेक्ट होता है सीड रहता है वो उसको खाते हैं. उनके जो लेग्स होते हैं स्ट्रेचिंग बर्ड्स के वो स्ट्रांग होते हैं और हार्ड क्लॉज होते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट इज क्ले सिटिंग हंटर बर्ड. तो जो क्ले सिटिंग हंटर बर्ड होता है जैसे आउल एंड ईगल्स आर हंटर. जो आउल एंड ईगल्स क्या करते हैं हंट करते हैं दूसरे इंसेक्ट और एनिमल्स को. दे हैव शार्प क्लॉ कॉल्ड टैलॉन. उनके पास क्या होता है पूरा तेज पंजा होता है जिसको हम लोग टैलॉन बोलते हैं. टू केज एंड होल्ड द लिप्स रेड एंड स्मॉल एनिमल. ताकि वो जो भी लिप्स एनिमल जिंदे जानवर छूटे या फिर छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उसको पकड़ सकते हो. दे आर टू काइंड ऑफ. नाउ नेक्स्ट इज दे आर टू काइंड ऑफ वाटर बर्ड स्विमर एंड वेडर. जो देयर इज अ टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज कि देयर आर टू काइंड ऑफ दो तरह के वाटर बर्ड होते हैं. पहले क्या होता है स्विमर होता है दूसरा क्या होता है वेडर होता है. स्विमर जो क्या करते हैं पानी पे वाटर पे स्विम करते हैं जैसे डर के समय. और वेडर जो क्या होता है बस वहाँ पर जाते हैं अपने फूड के लिए. ओके, नाउ वी रीड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ काइंड्स ऑफ वाटर बर्ड. फर्स्ट इज स्विमर. स्विमर लाइक डक्स एंड स्वैन हैव वेब फीट. जो स्विमर होते हैं आप जैसे डक्स हो गया और स्वैन हो उनके पास क्या वेब फीट होता है. ठीक है, दे हैव स्किन कॉल्ड अ वेब ग्रोइंग बिटवीन द टॉयज. उनके टॉयज में क्या होता है बीच में स्किन ग्रो होता है. ओके, उसी को हम लोग वेब बोलते हैं. अ वेब फूड इज लाइक अ पैडल इज बट यूज्ड टू वेब फीट टू पुल द वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग. तो जो उनका जो फीट होता है ना वो कैसे यूज करते हैं वो एक पैडल की तरह यूज करते हैं जो कि पानी में उनको तैरने पर हेल्प करता है. द डक हैज ऑयली वाटर प्रूफ फीदर. उनके पास क्या होता है डक के पास ऑयली और वाटर प्रूफ मतलब कि पानी पे डालने के बाद उनके पंख क्या होते हैं गीले नहीं होते. ओके, इट बॉडी डज नॉट गेट डक व्हेन इट स्विम. इसके कारण क्या होता है स्विमर बर्ड्स होते हैं वो पानी पे स्विम भी करते हैं उसके बाद भी उनका जो पंख क्या होता है गीला नहीं होता. नेक्स्ट द हीरोइन इज द वाडर. ओके, जो आपका हीरोइन वाडर है जिसमें सारा वो क्या है वाडर. ओके, वाडर हैव लॉन्ग लेग्स. उनके पास क्या होता है लॉन्ग लेग्स होता है वाइल इन स्लो वाटर ताकि वो नमी हो या फिर बोल सकते हैं मडी वाटर पे अच्छे से चल सकते हैं. ठीक है, ताप एंड ऑल्सो दे आर स्प्रेडिंग टॉयज मेक्स योर दे डू नॉट सिंक इन वेट मड. और जब वो उस टाइप से वाटर पे चलते हैं तो उनकी लॉन्ग लेग्स होती है ना वो क्या करती है
ostrich has two toes and very strong legs. Okay.